इस चैनल से एक नेटी और नॉट वीडियो अपलोड होती है सौरभ सिंह राजपूत ए के ए सिंगा पे जहां हमने ये क्लेम किया कि वो एक्चुअल में नेचुरल है और उसके बाद एक मिक्स किस्म के इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से ऑडियंस की तरफ से आए और जाहिर है जब एक इंसान आपसे बेहतर होता है आपसे ज्यादा टैलेंटेड होता है तो शुरू में लोगों को मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट हमें यह लगा बेस्ड ऑन आर ओन थी वो नेचुरल है और हमें ऐसा क्यों लगा क्योंकि अगर आप उसकी फिजिक प्रोग्रेशन देखें अगर आप उसके पी आर नंबर देखें एनीबडी हु इज अब एवरेज उसके लिए अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती और सिंगा ने इनफैक्ट हमें कैसे कन्विंस किया कि वो नेचुरल है बाय डूइंग ए कॉम्प्रीहेंसिव ब्लड वर्क उसने अपने लिपिड्स चेक कराए जो कि नॉर्मल आए

ना उसके पास कोई पास ब्लड वर्क था या फिर कोई बेसलाइन डाटा था जिससे हम ये पता कर सकें सकेंगे क्योंकि ये किसी यू नो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिजम्स की वजह से है किसी जेनेटिक प्री की वजह से है हमें नहीं पता लेकिन इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट मार्कर्स ठीक हों तो एक मार्कर पे शक करना मुझे नहीं लगता इट डज मेक एनी सेंस और अगर आप ओवरऑल क्योंकि देखें ना जब आप एनालिसिस करते हैं अगर आप ओवरऑल डाटा देखें अगर आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखें अगर आप उसकी मसल ग्रोथ ग्रोथेक्ट्री देखें उसके पी आर नंबर देखें उसका ब्लड वर्क देखें बेस्ड ऑन दैट हमारी ये थीसिस थी इन फैक्ट दिस इज नेचुरल और हमने अपना ओपिनियन दिया बेस्ड ऑन आर ओन सेट ऑफ रूल्स आर ओन सेट ऑफ क्राइटेरिया आर ओन सेट ऑफ थीसिस बिकॉज इस चैनल पे वी डोंट फॉलो द नॉइज वी डोंट फॉलो द फट वी डोंट फॉलो दर्ट हम अपनी थीसेस बनाते हैं और उस पर अपने

एक दम से मैं इस चीज को रेस क्यों कर रहा हूं इस इशू इस को क्यों उठा रहा क्योंकि 2021 में मैंने आपसे वादा किया था अगर मुझे लगा इन फ्यूचर के ही नॉट नेचुरल आई वुड कॉल हिम आउट वेल थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट ऑन दिस शो जिन लोगों को जल्दी है सिंगा इज नॉट ए लाइफ टाइम और जो लोग आखिर तक रुकने वाले हैं आज मैं आपके सामने एक डिटेल्ड असेसमेंट रखूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि 2021 के बाद से सिंगर इज नॉट नेचुरल इससे पहले कि मैं सिंगा पे बात करूं यह जान के सिंगा नेचुरल है या नहीं है शायद किसी की जिंदगी पे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े कोई ज्यादा ड्रामेटिक चेंज या कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए ना हो लेकिन अगर आप सालों से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं अगर आप नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं पांच साल आठ साल दस साल और आपको आपकी मसल ग्रोथ ट्रिजेक्ट्री के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो के थ्रू आज ये जानकर इट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ और क्योंकि मेरा आगे का जो एनालिसिस होगा वो मसल ग्रोथ ट्रिजेक्ट्री को ही लेकर होगा सो प्लीज लिसन केयरफुली कुछ चार्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उससे पहले मसल ग्रोथ ट्रिजेक्ट्री ये क्या होता है जिस रेट से जिस पेस से जिस पैटर्न से एक एवरेज बॉडी बिल्डर या एक एवरेज नेचुरल बॉडी बिल्डर मसल बिल्ड करता है मसल गेन करता है उस ट्रेंड को उस रेट को उस पेस को उस पैटर्न को मसल ग्रोथ ट्रिजेक्ट्री कहते हैं आसान लफ्जों में ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए लुक दिस फर्स्ट चार्ट दिस इज ए सिंपली एक्स वाई प्लॉट यहां पे हम क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं यहां पे मेंशन है टाइम इन ईयर यानी एक एवरेज इंडिविजुअल को ट्रेनिंग करते हुए कितना टाइम हो चुका है Y पे मैं रख रहा हूँ मसल्स गेन इन बॉडी बिल्डर ने ओवर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जर्नी में उसने कितना मसल पैक ऑन किया है यानी मिसाल के तौर पे पहले साल में अगर एक इंडिविजुअल 15 पाउंड्स मसल गेन करता है उसके बाद दूसरे साल वो बारह पाउंड मसल गेन करता है तो पंद्रह और बारह कितना बना सत्ताइस तो so दूसरे साल में आप देखेंगे ट्वेंटी सेवन मसल बिल्ड करना आप इस कर्व से रीड कर सकते हैं फिर जैसे जैसे आगे आने वाले सालों में वो मसल बिल्ड करता रहेगा सो ही कीप्स एडिंग ओवर द पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम फिर आप ये देखेंगे कि पांचवे साल पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया हुआ है और इस पे मेंशन किया है 90 परसेंट गेंस अनलॉक यानी इसका मतलब ये कि जब आपको ट्रेनिंग करते हुए पांच साल हो चुके हैं जहां पे आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है ऑप्टिमाइज्ड आपकी ट्रेनिंग है आप ओवर ट्रेनिंग नहीं करते आपकी न्यूट्रिशन आपकी टाइट ऑन पॉइंट है आपकी रेस्ट रिकवरी या जिसको आप आपकी स्लीप हाइजीन कहते हैं वो सब ऑप्टिमाइज है यानी वी आर लिविंग इन ए परफेक्ट वर्ल्ड अगर आप ऐसा करते हैं तो पाँच साल के अख्ताम तक आपने ऑलमोस्ट 90 परसेंट मसल बिल्ड कर लिया है या ये कहें कि 90 परसेंट गेंस आप अनलॉक कर चुके हैं क्योंकि देखें जिस तरह से जीने की एक उम्र है आपके हाइट बढ़ने की एक उम्र है आपके प्रोग्रेस की एक उम्र है उसी तरीके से मसल बिल्ड करने की भी एक लिमिट होती है एवरीथिंग हैज अलिंग यानी ऐसा नहीं है कि आप सारी उम्र मसल बिल्ड करते रहेंगे देर इज अ सीलिंग देर इज अ पीक देर इज अ पोटेंशियल जिसको आप जेनेटिक पोटेंशियल कहते हैं जो कि मैंने इस चार्ट में लाल कलर की डैश लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है 50 पाउंड्स के आसपास यानी ऑलमोस्ट 90 अगेन कुछ केसेस में केसेज मेंसेंट हो सकती है पांच साल के बाद कुछ केस में ये मेंसेंट हो सकती है कुछ केस में तीन साल बाद आप ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट हिट कर जाते हो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन लेकिन अगेन डोंट एक्सपेक्ट के अगर आप पांच साल से हर चीज ऑप्टिमाइज लेके चल रहे हो तो पांच साल बाद कुछ सिमिलर किस्म के गेन्स आपको मिलेंगे शुरू के पांच साल में आपके मैक्सिमम गेन्स जिस रेट से आप गेन कर रहे होते हैं वो काफी तेज होता है उसके आगे आने वाले पांच दस पंद्रह सालों में रेट ऑफ ग्रोथ काफी स्लो हो जाता है और ये हर इंसान फेस करता है अब यहां सवाल ये बनता है कि अगर एक इंसान बीस साल की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है एक और इंसान पैंतीस साल की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है तो दोनों की मसल ग्रोथक्ट्री सिमिलर होगी सो आंसर इज यस अगेन अब बीस साल के इंडिविजुअल और 35 साल के इंडिविजुअल की जो हार्मोन हार्मोनल प्रोफाइल होती है ऑफ कोर्स उसमें फर्क होगा अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई करके आपको एक ट्रिजेक्ट्री समझा रहा हूँ कि ट्रिजेक्ट्री होती कैसी है एंड दिस इज हाउ द ट्रिजेक्ट्री लुक्स लाइक अब यहाँ एक और सवाल ये बनता है एंड दैट इज क्या मैं अपने जेनेटिक पीक को अपनी सीलिंग को अपने पोटेंशियल को हिट करके उसको ब्रेक करके

पाँच साल में 90% परसेंट गेंस उसने अपने अनलॉक कर लिए फिर पाँच साल से लेके और साल तक उसने देखा कि उसकी मसल ग्रोथ में चेंज तो आया लेकिन उतना ड्रामेटिक चेंज नहीं आया जो पिछले पांच सालों में आया था इसका मतलब यह कि वो अपने जेनेटिक पीक को ऑलमोस्ट हिट कर चुका है फिर वो क्या करता है कि वो एक्चुअल में एनाबोलिक स्टेरॉइड्स पे आता है एंड दैट इज हाउ यू ब्रेक योर बैरियर और इस बैरियर को ब्रेक करके अब आप एनहांस्ड टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं सो दिस इज हाउ यू ब्रेक योर जेनेटिक्स अब हम बात करेंगे सिंगा की मसल ग्रोथ ट्रजेक्टरी की ये है वो फिजिक्स जो हमने 2021 में छोड़ी थी अराउंड 85 केजीस के आसपास हेल्दी बॉडी फैट कॉम्पोजिशन कर रहा था प्लस फ्यूचर आउटलुक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसको अगर मैं एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूं दिस इज हाउ इट यूज टू लुक लाइक ये वही चार्ट है सिमिलर मसल ग्रोथ प्रोजेक्टरी का लेकिन अब यह सिंगा पे स्पेसिफिक है सिंगा का कहना यह है कि वो 2015 से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है और जब उसने अपना ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट करी वो अराउंड 45 किलो के आसपास था अब देखें 45 किलो ऐसा नंबर है कि जिसमें जिस एज से उसने स्टार्ट करी ऑफ कोर्स उसकी हाइट बढ़नी होगी और बहुत सारी चीजें होंगी सो ये रियलिस्टिक नहीं है कि आप इस वेट से इस बेसलाइन से स्टार्ट करें दैट इज वाई मैंने जो स्टार्ट किया है उसका बेसलाइन नंबर वो मैंने लिया है कि 2015 में वो अराउंड 60 के के आसपास का था एक साल ट्रेनिंग करके 2016 तक वो पहुंचता है 70 केजीस पे अब देखें 2015 और 16 में अगर आप कंपेयर करें तो जाहिर है ऐसा नहीं है कि उसने ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू पाउंड ट्वेंटी टू पाउंड एक साल में मसल गेन किया हो या जिसको आप कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू कहते हैं मैंने इसको मॉडल करते वक्त सेवेंटी मसल या जिसको आप कॉन्ट्रेक्टल टिश्यू कहते हैं उसको कंसिडर किया थर्टी परसेंट मैंने फैट एज्यूम किया यानी पहले साल में सिंगा ने ऑलमोस्ट फिफ्टीन पाउंड ऑफ मसल बिल्ड किया फिर दूसरे साल में उसका वजन बढ़ के वो हो जाता है सेवेंटी फोर के जी पे यहाँ पे अब मैंने दो हजार सोलह के मुकाबले 8 उसने दूसरे साल किया। फिर दो हजार अठारह में उसने फर्दर अपने फ्रेम में फोर पाउंड मसल एड किया उसका वजन अराउंड सेवेंटी सिक्स के जीस के आस पास रहा फिर 2019 में सिंगा एट के तक पहुंचकर फर्दर 4 पाउंड्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू अपने

कंसिस्टेंट है पिछले छह सात सालों से वो ट्रेनिंग कर रहा है अच्छी टाइट ले रहा है कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे सो so, अब सिमिलर किस्म की प्रोग्रेस आगे आने वाले सालों में ये मुमकिन नहीं है ये थी मेरी एक्सपेक्टेशन सिंगा के फ्यूचर आउटलुक को लेके लेकिन 2022 में क्या हुआ 2022 में सिंगा ऑलमोस्ट 15 पाउंड्स मसल अपने फ्रेम में ऐड करके एक नेशनल पावर लिफ्टिंग मीट जीत जाता है यानी जहां वो 85 केजीस का था 2021 में सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 पाउंड्स मसल वो अपने फ्रेम में ऐड करता है और ये उस वक्त होता है जब वो एक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीतता है सो मेरे हिसाब से ये पहला रेड फ्लैग था क्या 2022 की फिजिक को देख के आपको लगता है कि सिंगा ने सिर्फ फैट गेन किया फिर 2023 में क्या होता है 2023 में सिंगा फर्दर 12 टू 13 पाउंड्स ऑफ मसल अपने फ्रेम में ऐड करता है और ऑलमोस्ट 100 के तक पहुंच जाता है यानी जिस सिंगा को ऑलमोस्ट पांच साल लग गए क्लोज टू थर्टी पाउंड मसल पैक ऑन करने में वो भी अपने ट्रेनिंग करियर के बिल्कुल स्टार्ट में जब एक्चुअल में आपके एक्सपोनशियल गेन्स होते हैं उसी सिंगा को अगले थर्टी पाउंड पैक ऑन करने में सिर्फ दो साल का अर्सा लगा So for me, this was another red flag. Or in fact, yeah in line hai with what I said back in 2021. Other like future ma'am he is like 30 pounds heavier while maintaining the same body fat composition. So of course it means that he is not natural. Why? Because he has already crunched in five years of training, nutrition, supplementation, sleep. So of course we are not going to see him getting more massive.

क्या वो बहुत लीन हो गया है नहीं क्या उसके बॉडी फैट कॉम्पोजिशन में उसके बॉडी फैट में कोई ड्रामेटिक डिफरेंस आया है नहीं 90 केजीज का सौरभ क्या वो पहले से ज्यादा लीन है Yes। क्या वो सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे है नहीं क्या उसके बॉडी फैट पे कोई देखने में आया है? नहीं। क्या उसके सौरभ को कंपेयर करें क्या ये सिंगा का लीनस वर्जन है कहा जा सकता है क्या वो सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे नहीं क्या उसके शार्पली विजिबल है नहीं क्या एटी फाइव का सौरभ सौ के के सौरभ से ट्वेंटी बॉडी फैट कम कैरी कर रहा है नहीं इफ दैट डजन ओपन योर आईस आई डोंट नो अभी तो सर मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ वही डेटा जिसकी बेसिस पे हमने 2021 में अपना एनालिसिस दिया था अभी तो मैं सर उस, सिर्फ और सिर्फ उस डेटा की बात कर रहा हूं There आर अ lot ऑफ थिंग्स टू कवर इन दिस वीडियो येट रजत दलाल एक और एलिमेंट एक और स्टोरी सिंगा की जर्नी में रजत से ट्रेनिंग ली सिंगा ने फॉर ए पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप रजत उनको ट्रेनिंग देता है और उसके कुछ टाइम बाद इनके आपस के अख्तिलाफात की, की वजह से आपस में ये लोग वीडियोस बनाते हैं अगेन हमें उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन एक्चुअल में रजत सिंगा को एक्सपोज करता है बॉडी वेट देने के बाद इंसुलिन इंसुलिन इतनी खतरनाक चीज़ है कार्बलोडिंग करनी थी हर पैंतालीस पैंतालीस मिनट बाद इंसुलिन लगाया था और उसके बाद इसने कार्बलोड करे थे ठीक है

To prove unnatural. नहीं इनफैक्ट मैं एक परसेंट भी भरोसा नहीं करता रजत की वीडियोस पे क्योंकि ये लोग कंट्रोवर्सीज के लिए कुछ भी कह सकते हैं असल बात ये है कि इन वीडियोस के अगेंस्ट इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में जो सिंगा ने बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था हम रजत दलाल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे आपको ना मेरी लाइफ के थ्रू सीखना भी है कि मैं भी गलतियां करता हूँ भाई मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ बट मैं भी बहुत चूतिया गिरी करता हूँ मैं भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें गलतियां करता हूँ मैंने उस बंदे पर भरोसा किया मैं उसको जानता तक नहीं मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ फिर उसने कहा कि एक इंसुलिन का ये चीज़ होती है इंसुलिन दे देते हैं जब हमारा वेन वे, वे, वजन दे दिया मैंने नाइनटी के नीचे आ गया वज़न बट मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी मैं परफॉर्म नहीं कर पाता भाई मेरे को पता था मैं गिर रहा था तो उसने बोला कि दे देते हैं तो तू जो भी खाना खाएगा वो तेरे मसल्स में जल्दी ऑब्जॉर्व जाएगा ऐसा कुछ भाई उस टाइम पर हम जो वो बोल रहे थे हम सुन रहे थे भाई है ना हमारा पहला दूसरा कॉम्पिटिशन उन्होंने दस कॉम्पिटिशन खेल रखे थे तो वो जो बोल रहे थे हम सुन रहे थे

डेवेटिव या उसका ऑल्टरनेट भी लिया होगा फिर तो इन्होंने हेलो टेस्टन भी लिया होगा यानी वो इनको देता गया और ये लेते गए अनदर रेड फ्लैग सेंगा को आपने अक्सर ब्लड टेस्टिंग या फिर रेंडम कोई भी आके मेरा टेस्ट कर ले या ये कि वो हमेशा ब्लड टेस्टिंग के लिए रेंडम सैंपलिंग के लिए तैयार है अक्सर ये कहते हुए आपने उसको सुना होगा आगे से कोई भी वीडियो नहीं आएगी दीज आर द रिपोर्ट्स जिसको भी टेस्ट कराना होगा आगे सेंड मी द मनी यार आठ हज़ार रुपये मैं वेस्ट नहीं करूंगा इसमें मेरे बहुत अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ जाते सामने नाडा की टीम बैठी है मुझे कोई डर नहीं लगता मेरे को टेस्ट कर लो सालों साल कर लो मैं नेचुरल हूँ नेचुरल हूँ और नेचुरल हूं और नेचुरल ये लिफ्टें मारी है जुलाई दो एक रैंडम ब्लड टेस्टिंग ऑफर की गई थी मेरी तरफ से सिंगा को और मैंने उसे रीच आउट किया था इंस्टाग्राम पे एन आई कोर्ट Hi dear, you remember you once said if anybody wants to take your blood for testing, they can at their own cost. So I am interested. Within next 24 hours, there will be someone at your door to get your blood draw. Are you willing to give your blood for testing? This is a part of my updated NADI or not on you, and I will bear the cost. If you don't agree on this, of course, for transparency, I'll have to let the audience know about it. If you are ready, please share your address, best of health. यानी आज से करीब दो साल पहले मैंने सिंगा को ऑफर करी थी प्राइवेटली इंस्टाग्राम पे जाके आई थिंक दिस इज नाउ टाइम टू गो फॉर ए ब्लड वर्क ए रेंडम टेस्टिंग क्योंकि आप पहले से क्लेम करते हुए आ रहे हैं कि यू डोंट हैव एनी इश्यू और ये मैंने कब किया था ये ऑफर मैंने उसको कब करी थी वैन दो हजार इक्कीस में हमने नैडियो नॉट विडियो कवर करी थी और दो हजार बाईस में एकदम से क्लोज टू फिफ्टीन पाउंड मसल उसने अपने फ्रेम में एड किया था एंड दिस इज हाउ यू परफॉर्म ए रैंडम ड्रग टेस्टिंग उसके रिएक्शन में सिंगा ने कहा एन आई कोर्ट के विल डू इट यानी इनिशियली तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हां वो तैयार है ब्लड टेस्टिंग के लिए लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद वो कहता है आई थॉट अबाउट इट एंड आई डोंट वॉन्ट माई ब्लड रिपोर्ट टू बी ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक लास्ट टाइम लास्ट टाइम माई नेम वॉज इन्वॉल्व एंड रैक्ट फॉर सो लॉन्ग विच इज स्टिल गोइंग ऑन आई एम एन एथलीट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई गेम एंड नॉट इन दीज कॉन्ट्रोवर्सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन डूइंग द ब्लड टेस्ट बट आई एम नॉट रियली ओके विद गोइंग ऑन सोशल मीडिया यू ऑल्सो नो पीपल ऑन सोशल मीडिया मेक देयर व्यूज

लेकिन अगेन अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर के परस्पेक्टिव से इसको देख रहा हूँ एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा ओपनली कहता रहता है कि मैं हमेशा तैयार हूँ ब्लड टेस्टिंग के लिए यानी वो ऑडियंस के सामने तो ये क्लेम करता है कि वो हमेशा तैयार है किसी भी किस्म की रेंडम ड्रग टेस्टिंग के लिए लेकिन जब एक्चुअल पे उस पर वो वक्त आता है सो ही टेक्निकली बैक्स आउट एंड बाय द वे ये ऑफर उसको कोई ऐसा इंसान नहीं कर रहा था जो उसके अगेंस्ट था जो हमेशा उसके अगेंस्ट बोलता है

क्योंकि जब आप खुद ये क्लेम करते हुए आ रहे हो कि अब हमेशा तैयार हैं ड्रग टेस्टिंग के लिए और अगेन ये कोई लाइव नहीं हो रही दिस इज बिहाइंड दिन स्टफ सो इट मीन्स दाल में कुछ काला था अब आप इसको जिस डायरेक्शन में सोचना चाहते हैं दैट इज ऑन योर ओन स्टफ बट अगेन दिस वीडियो वॉज ड्यू ऑन मी फॉर ऑलमोस्ट टू ईयर्स दो साल से मेरे ऊपर ये वीडियो ड्यू थी आई वुल जस्ट गैदरिंग द डाटा आई वुल जस्ट गैद गैदरिंग मोर स्टफ ताकि आई शुड बी कन्विंस बिकॉज अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ सो हाउ वुड माई ऑडियंस बी कन्विंसड तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ क्या सौरव इस वक्त नेचुरल है आई डोंट नो मे बी लेकिन क्या सौरभ दो हजार इक्कीस तक नेचुरल था इन माई व्यू यस क्योंकि अगर आप उस वक्त का डाटा देखें चीज़ों को कंपेयर करें पी आर नंबर्स देखें मसल ग्रोथ रिजेक्टरी देखें ओवरऑल उसकी जर्नी को कंपेयर करें सो आई वुड से येस लेकिन क्या सिंगल लाइफ टाइम नेचुरल है आई डोंट थिंक सो अपने फाइनल रिमार्क्स में सब यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें मेरी लॉयल्टी ना किसी इन्फ्लुंसर से है ना किसी यूट्यूबर से है मेरी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑडियंस से है एंड दैट इज़ इट दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ बी केयरफुल वैन यू फॉलो द मैसेज बिकॉज समी एम इज साइलेंट